ठीक है, जितना भी सवाल है ना उसमें एक ही महत्वपूर्ण बात होता है कि हम जब कहेंगे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई एक इवेंट, बस उस इवेंट को खाली समझना होता है प्रॉपरली कि वो इवेंट कितना तरह से हो सकता है, और तब हर इंडिविजुअल जो तरीका से हो सकता है वो इवेंट, उस हर एक तरीका का प्रोबेबिलिटी अगर आपको अलग अलग पता है तो ऑल यू हैव टू डू इज ऐड। सारा समय बिताना होता है उस इवेंट को समझने में। एक्सपेरिमेंट है, अ डाई इज थ्रोन 3 times। अब ऐसा लगेगा देखने में इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस 1 1 1। ये एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम है 1 1 2 1 1 3। हम पहला स्थान को फिक्स करके और बाकी दोनों स्थानों को अदला बदली करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिख रहे हैं, तो 36 कॉम्बिनेशन अभी होगा जब 1 फिक्स करेंगे, फिर पहला स्थान पे 2 लिखेंगे, फिर 36 कॉम्बिनेशन, कुल मिलाकर के इसके सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा 6 × 6 × 6। ईच थ्रो का 6 पॉसिबल आउटकम्स है, 6 × 6 × 6 इतना एलिमेंट्स होगा इसके सैंपल स्पेस में। दो इवेंट हम डिफाइन किए हैं, इवेंट ए 4 ऑन द 3rd थ्रो। इवेंट ए को जरा रिप्रेजेंट कर दीजिए, सारा फेवरेबल आउटकम्स लिख दीजिए, 3rd थ्रो में 4 होना चाहिए, इस तरह का सारा आउटकम्स जहां एक्स और वाई कैन बी एनी नंबर बिटवीन 1 और 6। सब लिख नहीं रहे और इसमें एलिमेंट्स कितना होगा वो हम बता सकते हैं। 3rd थ्रो में 4 फिक्स कर दिए, ये दोनों को जितना तरह से कंबाइन कर सकते हैं, 6 × 6 = 36, 6² लिख रहे हैं। इवेंट बी डिफाइन किए हैं 6 ऑन द 1st थ्रो एंड 5 ऑन द 2nd थ्रो। और हम खाली 3rd थ्रो के जगह पे एक नंबर लिख रहे हैं z, वेयर z कैन टेक एनी वैल्यूज बिटवीन 1 और 6। 6 ऑन द 1st थ्रो एंड 5 ऑन द 2nd थ्रो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में होगा 6। सारा आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट को हम इस तरह से लिखे, सब नहीं लिखे, भाषा भी सीखे कैसे लिखे। यहां पे हम सैंपल स्पेस को सिर्फ ऐसे लिख सकते थे, एक्स वाई जेड सच दैट दीज 3 नंबर्स कैन टेक ऑल पॉसिबल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 और 6। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो पहले हम इस बात का मतलब लिखें, इस बात का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम ए इंटरसेक्शन बी सेट भी पहले बना लेते हैं, दोनों में कॉमन, ए के अनुसार 3rd थ्रो 4 होना चाहिए और बी के अनुसार पहला और दूसरा 6 5 होना चाहिए। देयर इज ओनली 1 आउटकम जो दोनों में कॉमन है, ए एंड बी, देयर इज ओनली 1 आउटकम फेवरेबल टू दिस इवेंट ए इंटरसेक्शन बी। अब आप जवाब दे देंगे, इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 1/6³ और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 6/6। सो द आंसर इज 1/6। पेयर ऑफ डाई
इस्थोन एक्सपेरिमेंट का नाम है, सैंपल स्पेस 36 एलिमेंट्स होगा। एक इवेंट डिफाइन किए हैं ए, सम ऑफ एट लिख लेते हैं 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5। इवेंट बी डिफाइन किए हैं एटलीस्ट वन नंबर इज नॉट 5, दो में से कम एक नंबर हो जो 5 नहीं, मतलब दोनों नंबर 5 उसको छोड़ के सारा आउट हो, यानी बी सेट में 35 आउटकम्स लिखा है एक्सेप्ट दिस वन सिंगल आउटकम 5.5 में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो है 35। अब क्वेश्चन है फाइंड पी ए इफ बी, फिर वही लिखेंगे, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट बी। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये सारा एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी में होगा, बी सेट में ये सब मौजूद है, तो दोनों में कॉमन लीजिएगा यही पूरा सेट, यानी ए इंटरसेक्शन बी सेट इज ए सेट, असल में बी सेट का सबसेट है ये ए सेट, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी करने पर ए मिल जा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1, 2, 3, 4, 5, 5/36 and probability of event B is 35/36, so the answer is 1/7. So two teams T1 and T2, they are supposed to play two football matches. Probability of T1 winning, losing and drawing the match. कोई भी मैच का तीन विकल्प हो सकता है, कोई भी मैच का तीन आउटकम हो सकता है, या तो टीम T1 जीतेगा या हारेगा या ड्रॉ करेगा। तो इन तीनों बात का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दिया हुआ है, T1 के जीतने का संभावना, T1 के हारने का संभावना और T1 के मैच को ड्रॉ करने का संभावना, इन तीनों का सम 1 होगा क्योंकि यही तीन विकल्प है ना, ये होगा या तो वो होगा या तो वो होगा, तो ऐसे स्थिति में इन तीनों का सम 1 होना चाहिए, यही हम लोग का प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए तीनों का सम 1 होना चाहिए। पूछता अ टीम गेट्स 3 points फॉर विनिंग एंड 0 points फॉर लूजिंग एंड 1 point फॉर ड्रॉइंग, एक टेबल बनेगा ना, T1 का पॉइंट्स, T2 का पॉइंट्स, फर्स्ट मैच सेकेंड मैच, जो जीतेगा उसको 3 points मिलेगा, जो हारेगा उसको 0 और ड्रॉ हो गया तो दोनों को 1-1 point मिल जाएगा। लेट कैपिटल X डिनोट द पॉइंट्स ऑफ T1, एंड में जो कैपिटल X सिंबल हम यूज करेंगे टीम T1 का टोटल पॉइंट्स और T2 का टोटल पॉइंट्स के लिए सिंबल Y यूज करेंगे। क्वेश्चन फाइंड, चार क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी ग्रेटर देन वाई, टीम T1 का जो पॉइंट हो वो टीम T2 के पॉइंट से अधिक होगा, उसका संभावना क्या है, मतलब इवेंचुअली ये सीरीज को टीम T1 जीत जाएगा, इसका संभावना क्या है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन वाई, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी इक्वल टू वाई, यानी सीरीज विल बी ड्रॉ, and probability that x may be less than or equal to y. देखिए ये जो इवेंट है
एक्स ग्रेटर देन वाई, मतलब टीम T1 इवेंचुअली उस सीरीज को जीत जाएगी। ये कितने तरह से हो सकता है? तरीका एक कि वो दोनों मैच जीत जाए, विन विन यूनियन दूसरा विकल्प, एक मैच जीते और एक मैच ड्रॉ कर ले, एक मैच जीते एक मैच हारे अगर, तब फिर पॉइंट अधिक नहीं होगा T1 का, तब बराबर हो जाएगा। एक मैच जीता 3 पॉइंट, T2 को 0 पॉइंट, दूसरा मैच T1 हार गया तो उसको 0, उसको 3, तब तो एंथ में बराबर हो गया दोनों। हम चाहते हैं कि T1 का पॉइंट अधिक हो T2 के पॉइंट, तो कितने तरह से हो सकता है ये इवेंट? पहला मैच जीता एंड दूसरा मैच भी जीत गया, या पहला मैच जीता एंड दूसरा मैच ड्रॉ किया, या पहला मैच ड्रॉ किया एंड दूसरा मैच जीत गया। और अब हम लोग यूज करें, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, PWW प्लस PWD प्लस PDW, और इसको लिखते हैं इंटरसेक्शन है, W इंटू PW आफ्टर W, मतलब मीन कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फर्स्ट मैच मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द सेकेंड मैच इफ द फर्स्ट मैच हैज बीन वन। पर चूंकि इंडिपेंडेंट है, सेकेंड मैच का आउटकम फर्स्ट मैच के आउटकम पर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए यहां पे प्रोडक्ट हो जाएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम पी ए इंटू पी बी लिख देते हैं, अगर हमको पता हो कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, प्लस पी डब्ल्यू इंटू पी डी प्लस पी डी इंटू पी डब्ल्यू। एग्जामिनेशन में हम लोग को जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना है उतना हम लोग नहीं लिखते हैं, बात समझ गए, बस सीधे नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर, हाफ इंटू हाफ प्लस हाफ इंटू 1/3 प्लस 1/3 इंटू हाफ, दैट इज द आंसर। दूसरा देखें, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन वाई, ये कितना तरह से हो सकता है? खाली वो जानना होता है, दोनों मैच हार जाए, एक मैच ड्रॉ करे और एक मैच हार जाए, पहला मैच ड्रॉ दूसरा मैच हार जाए, पहला मैच हार जाए, बीच में इंटरसेक्शन है, इसमें कोई छूटना नहीं चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, आगे आप कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, यू जस्ट हैव टू पुट वैल्यूज डाउन। पी एक्स इक्वल टू वाई, दोनों टीम का पॉइंट सेम हो, एक्स अगर पहला मैच जीत जाए दूसरा मैच हार जाए, या एक्स अगर पहला मैच हार जाए दूसरा मैच जीत जाए, या दोनों मैच ड्रॉ करें, तो ऐसे स्थिति में दोनों टीम का पॉइंट्स बराबर होगा। और चौथा है प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू वाई, इसको ऐसे बनाना चाहिए, एक्स लेस देन वाई या एक्स इक्वल टू वाई, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, टीम वन का पॉइंट्स T2 से कम वाला केस, T1 का पॉइंट T2 के पॉइंट के बराबर, दोनों एक साथ नहीं होगा, या तो कम होगा या बराबर होगा, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी इतना प्लस इतना। तो अगर आप ये वाला संख्या खोज चुके हैं, अलग से ये वाला खोज चुके हैं, तो अब इसका आंसर निकालने के लिए सिर्फ इन दोनों को ऐड करना है। तीन बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, इसमें दो गोल्ड कॉइन रखा है, इसमें दो सिल्वर
और इसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर कॉइन। अ बॉक्स इज चोजन एट रैंडम, कोई एंड अ कॉइन इज ड्रॉन। मैंने ऐसा भी कह सकते थे ना कि ये तीनों बॉक्स में से आप अगर एक डाई टॉस कीजिए, अगर दो या दो से कम आता है तो बॉक्स वन चुनिएगा, अगर तीन से लेकर पांच के बीच में इंक्लूडिंग थ्री एंड फाइव कोई आता है नंबर तो बॉक्स टू से कॉइन निकालिएगा, और अगर सिक्स आता है तो बॉक्स थ्री से निकालिएगा, ऐसा बोल सकते थे। तो फिर कौन बॉक्स में से हम कॉइन ड्रॉ करेंगे वो अब आपके इस रिजल्ट पे डिपेंड करता है। दो या दो से कम आने का संभावना है एक बटे छः, तीन चार पांच में से कोई आए उस बात का संभावना है एक बटे दो, और सिक्स आए इसका संभावना है एक बटे छः, यानी तब बॉक्स वन चुनने का संभावना होता दो बटे छः, बॉक्स टू चुनने का संभावना होता तीन बटे छः, और बॉक्स थ्री चुनने का संभावना होता एक बटे छः। लेकिन हम बोले हैं रैंडमली तीनों में से कोई चुन लीजिए, यानी कि तीनों में से कोई भी चुनने का संभावना बराबर है, एक बटे तीन, एक बटे तीन और एक बटे तीन। यही मतलब है इस फर्स्ट स्टेटमेंट का। अ बॉक्स इज चोजन एट रैंडम एंड अ कॉइन इज ड्रॉन। इफ द कॉइन इज गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन दैट बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। आप परेशान मत होइए, खाली सुनिएगा हमको ध्यान से। हम आपसे कह सकते थे कि बताइए कि गोल्ड निकले इसका क्या संभावना है, निकाल के देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन। तो पहले उस इवेंट को समझिए कितने तरह से हो सकता है। अगर आप बॉक्स वन में से निकाले होते तो, या बॉक्स टू में से निकाले होते तो, या बॉक्स थ्री में से निकाले होते तो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट कैन अकर इन थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वे। बॉक्स वन इज चोजन एंड अ गोल्ड कॉइन इज टेकन आउट, या बॉक्स टू इज चोजन एंड अ गोल्ड कॉइन इज टेकन आउट, या बॉक्स थ्री इज चोजन एंड अ गोल्ड कॉइन इज टेकन आउट। और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कि P1G प्लस P2G प्लस P3G। ये क्वेश्चन नहीं पूछे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गोल्ड कॉइन विल बी ड्रॉन, ये क्वेश्चन नहीं पूछे। अगर ये पूछे होते तो आप यही करते, उस इवेंट को पहचानते कि कितने तरह से ये हो सकता है। ये होता प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स वन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्ड कॉइन इफ बॉक्स वन वाज चोजन, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स टू मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ drawing a gold coin if box 2 was chosen. एक इवेंट हम है drawing a gold coin, उसको G सिंबल से डिनोट किए, उस इवेंट के होने का संभावना। तो वो इवेंट कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज से हो सकता है, तीन, या तो बॉक्स वन में से निकाला जाए, या बॉक्स टू में से, या बॉक्स थ्री में से। बॉक्स वन चुने जाने का संभावना है एक बटे तीन, अब इसमें से गोल्ड कॉइन निकालने का संभावना है दो बटे दो यानी एक, बॉक्स टू चुने जाने का संभावना एक बटे तीन, और इसमें से गोल्ड कॉइन निकालने का संभावना शून्य, बॉक्स थ्री चुने जाने का संभावना एक बटे तीन, और उसमें से गोल्ड कॉइन चुने जाने का संभावना हाफ। ये इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 0 प्लस हाफ 3/2, 1/3 इंटू 3/2 विच इज हाफ। हम पूछे हैं इफ द कॉइन इज गोल्ड, यानी एक्सपेरिमेंट के अंत में आपको अगर ये जानकारी देते हैं कि गोल्ड है, तो अब ये क्वेश्चन है रिवर्स प्रोबेबिलिटी का। कह रहे हैं कि अगर गोल्ड कॉइन निकल गया है एक्सपेरिमेंट के अंत में तो बताइए कि इनमें से किन बक्सों में से निकला है। इफ द क्वाइन इज गोल्ड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर क्वाइन फ्रॉम दैट बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड।
मतलब क्या संभावना है कि वो पॉइंट कि बॉक्स वन से निकला है। मतलब सिंपल शब्दों में हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम गोल्ड निकल गया देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो बॉक्स वन से निकाला गया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स वन इफ द कॉइन इज गोल्ड, यानी ये इवेंट हो गया है, गोल्ड कॉइन हैज बीन ड्रॉन। तो अब बताइए कि क्या संभावना है कि वो बॉक्स वन से निकाला गया, विच मीन्स पी वन इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई पी जी। अब न्यूमरेटर में एक ठो आएगा इन पूरे लॉट में से, डिनोमिनेटर में पूरा आएगा, दैट इज इट। तो ऊपर में वन बाई थ्री हो गया, वन इंटरसेक्शन जी मतलब बॉक्स वन का चुना जाना एंड उसमें से गोल्ड कॉइन का निकाला जाना जो यहां लिखे, डिवाइडेड बाई ये टोटल प्रोबेबिलिटी है गोल्ड निकले, इसका कुल संभावना हाफ। अ बॉक्स कंटेन्स फोर बॉल्स, टू बॉल्स आर ड्रॉन एंड फाउंड टू बी वाइट। अब देखिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी का ये, हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि उसमें से व्हाइट गेंद निकले इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, हम पूछ रहे हैं कि अब जब व्हाइट निकल गया तब कुछ पूछ रहे हैं। ये जो बक्सा है जिसमें चार गेंद डाला हुआ है उनके बारे में बताया नहीं है कि बक्सा में कितना व्हाइट बॉल है कितना अन्य बॉल है। अगर आप उनको बता दें इस बक्सा में दो बॉल व्हाइट है और बाकी कोई भी नॉन व्हाइट बॉल्स, तो हम आपसे पूछें कि इस बक्से में से एक बॉल निकालें तो वो बॉल व्हाइट हो इसका क्या संभावना है, तो आप तुरंत बताइएगा दो बट्टे चार। इस बक्से में कितना व्हाइट है और कितना नॉन व्हाइट वो नहीं दिया है, अगर दे देता तब हम बता देते कि इसमें से व्हाइट निकालने का क्या संभावना है। जैसे अगर बक्से में मान लीजिए सारा विकल्प हम सोच लेते हैं, मान लीजिए चार व्हाइट एक पॉसिबिलिटी, दूसरा तीन व्हाइट और एक नॉन व्हाइट, तीसरा विकल्प दो व्हाइट दो नॉन व्हाइट, चौथा विकल्प एक व्हाइट और तीन नॉन व्हाइट, और पांचवा विकल्प जीरो व्हाइट फोर नॉन व्हाइट। बक्से में अगर ऐसा कॉम्पोजिशन होता, अभी नहीं पता है बक्से में क्या है, क्वेश्चन में कहां लिखा है कि उस बक्से में क्या है, सिर्फ कह रहा है चार गेंद है, लेकिन इतना पक्का है कि अगर ऐसा होता कॉम्पोजिशन तो इसमें से व्हाइट गेंद निकलने का संभावना चार बट्टे चार होता यानी एक होता। ऐसी स्थिति में एक गेंद निकालें आप व्हाइट हो उसका संभावना इतना, इस केस में दो बट्टे चार, इस केस में एक बट्टे चार, इस केस में जीरो बट्टे चार यानी जीरो। क्वेश्चन क्या लिखा है देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बक्सा में चार गेंद है पता नहीं क्या, और उसमें से दो बॉल निकाला गया है नॉट वन, दो गेंद निकालने का हम लोग लिखे प्रोबेबिलिटी, दो गेंद व्हाइट निकले उसका क्या संभावना है। तो पहले उसको अलग से देख लीजिए आप एक एग्जांपल लेकर के, अगर एक बक्से में तीन गेंद व्हाइट हो और पांच गेंद नॉन व्हाइट, हम अगर आपसे पूछें कि बताइए इसमें से दो गेंद हम निकालें क्या संभावना है कि दोनों व्हाइट होगा, तो सैंपल स्पेस पहले देख लीजिए, देर आर एट बॉल्स उसमें से दो गेंद निकलने का कितना तरीका है, That is 8C2. यह मेरा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। कोई दो गेंद जैसे W1, W2, W1, W3, NW1, NW5 जोड़ा जोड़ा में कितना पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, दैट इज 8C2। और इसमें से दो गेंद व्हाइट हो वैसा कितना आउटकम्स पॉसिबल है, 3C2। बस 3C2 को डिवाइड कर दीजिएगा 8C2 से, तब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा ऑफ ड्रॉइंग टू व्हाइट बॉल्स।
जैसे इस केस में देखें, दो वाइट गेंद निकलने का संभव, 4c2/4c2 यानी 1। इस केस में वाइट गेंद निकलने का संभव, ये सैंपल स्पेस लिख रहे हैं, और ऊपर में 3c2, यहां 2c2/4c2, 1c2/4c2 ये मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि इसमें एक ही वाइट है, तो दो गेंद वाइट निकले ये पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज एक्चुअली 0 एंड इसमें भी 0। क्वेश्चन आगे देखें, 2 balls are dropped, ये कॉम्पोजिशन नहीं दिया हुआ है, हम मान लें कि अगर ऐसा होता तो आंसर यही होता, व्हाइट बॉल निकलने का संभावना 2। अगर ऐसा कॉम्पोजिशन होता तो ये आंसर होता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 white balls। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स इन द बॉक्स आर व्हाइट इफ द 2 balls drawn आर फाउंड टू बी बोथ व्हाइट। आप दो गेंद निकाले, इस बक्से में से दोनों व्हाइट आया, तो क्या संभावना है कि उस बक्से में सारा गेंद व्हाइट है? तो पहला काम यह करें कि व्हाइट निकलेगा उसका क्या संभावना है, दोनों गेंद उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं, बोथ बॉल्स व्हाइट इक्वल टू ये इवेंट का कितने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तरीकों से हो सकता है कि बक्सा में चारों गेंद व्हाइट था, उस इवेंट को कुछ हम X4 कह दे रहे हैं, तब उसमें से आप दो गेंद निकाले दोनों व्हाइट, हम उस इवेंट को W सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, बोथ बॉल्स व्हाइट। या बक्सा में 3 गेंद व्हाइट होता तब आप दो गेंद निकालते दोनों व्हाइट निकलते, या इस तरह से सारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेज पहले लिख लेना हो। आपको नहीं पता है बक्सा में क्या है, बक्सा में कुछ भी हो सकता था इन 5 में से। हाँ, ये सब मीनिंगलेस केसेस भी है। अब आप दो गेंद तो निकल गया है व्हाइट, तो बक्सा में इसका मतलब है कि कम से कम 2 गेंद तो था ना व्हाइट, तो ये वाला दोनों केस को हम लोग को कंसीडर करने का भी जरूरत नहीं है, हम छोड़ भी सकते हैं उसको, X4W, X3W और X2W, इन्हीं में से कोई एक तरीका से ये इवेंट अकर कर सकता है। तो अब इन 3 में से कौन है, ये 2 तो नहीं है, इन 3 में से कौन स्थिति हो सकता है? आप ये 3 विकल्प रैंडमली सोचे हैं ना, इक्वली लाइकली है। एक बक्सा रखा है, उस बक्से में 4 गेंद है कि 3 गेंद है कि 2 गेंद है व्हाइट, कि 1 white 0 white, ईच बात होने का संभावना बराबर है, ईच का संभावना है 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। हम इस सबको लिख भी रहे हैं, यूनियन X1W, यूनियन X0W, वो सब 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो वाइट निकलने का संभावना है 1/5 इंटू इतना प्लस 1/5 इंटू इतना 1/5, और ये सब 0 है। हम लोग को जो पूछा गया है वो ये कि अब जब दोनों गेंद व्हाइट निकल गया है, दिस इवेंट हैज ऑलरेडी अकर्ड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर 2 balls इन द बॉक्स आर ऑल्सो व्हाइट, यानी कि बक्से का कॉम्पोजिशन X4 है, इसका क्या संभावना है? तो ये PX4W, यानी बक्सा में 4 गेंद व्हाइट था एंड तब 2 गेंद व्हाइट निकला, उसका संभावना डिवाइडेड बाय PW, व्हाइट निकलने का कुल संभावना। ये 1/5 जो आप माने हैं कि ये सब बात तो इक्वली लाइकली ना है, बक्से के अंदर का कॉम्पोजिशन इनमें से कोई एक हो सकता है,
और सबका संभावना बराबर है, तो 1/5 1/5 मान ली, वो कट जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में 1/5 × 4C2/4C2 वाला टर्म आएगा और डिनोमिनेटर में ये पूरा सम आएगा। 1/5 कॉमन ले लें, 4C2/4C2 + 3C2 + 2C2/4C2। अब ये दोनों टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, अब बस अब बाकी सब हम लोग लिख लेंगे। 4C2 का वैल्यू इट इज 4 × 3/2 6, 6 + 3C2 = 3C1 and 2C2 = 2C0, 6/10 which is 3/5। यानी अगर दोनों गेंद वाइट आ गया है हाथ में तो 3/5 संभावना है, 60% संभावना है कि बाकी दोनों गेंद भी उस बक्से में उजला ही होगा। A signal can be green or red with probabilities 4/5 and 1/5 respectively. Signal is received by station A, railway station, and then transmitted to the next station. Har station pe manned hota hai, aadmi baitha hota hai. Pichle wale station se signal aata hai, phir wo aage wale station ko pass karta hai. ग्रीन का मतलब हम लोग जानते हैं, द ट्रेन कैन गो पास, एंड रेड अगर हम सिग्नल ट्रांसमिट कर दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ कोई डेंजर है, ट्रेन को रुकना है, जहां भी है वहीं रुकना, यही मतलब है। तो दो ही तरह का सिग्नल का बात कर रहा है। 80% टाइम्स सिग्नल ग्रीन एंड 20% टाइम्स सिग्नल रेड होता है। सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए, मैंने किसी एक स्रोत से चला होगा, सम सोर्स जहां से सिग्नल जनरेट हुआ, स्टेशन ए, स्टेशन यहां से सिग्नल चला, स्टेशन ए रिसीव करके फिर उसको ट्रांसमिट किया टू स्टेशन बी। तो सिग्नल इज रिसीव्ड बाय स्टेशन ए एंड देन ट्रांसमिटेड टू स्टेशन बी। आगे लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ सिग्नल करेक्टली इज 3/4। यानी कि यहां से कोई सिग्नल अगर चला लाल, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसको रिसीव हुआ सिग्नल ग्रीन, इनकरेक्टली रिसीव हुआ, लिखता तो ही है, फॉल्टी डिवाइस, फॉल्टी मैकेनिज्म्स। अब नहीं होता है, अब तो काफी एडवांस हो चुका है सब टेक्नोलॉजी, पर एक समय था कि जब ऐसा एरर हो जाता था। तो सिग्नल के करेक्टली रिसीव होने का संभावना है 3/4, 75% बार सिग्नल करेक्टली रिसीव होता है, 25% बार एरर हो जाता है, यही लिखा है। Probability of receiving a signal correctly. अब C को define कर लिए, C represents a statement receiving a signal correctly, which means probability of not receiving a signal correctly is 1/4. Probability that the signal is green is 4/5 and probability that the signal is red is 1/5. जो जो बात दिया हुआ है उसको अपने भाषा में लिख लिया। अब क्वेश्चन, इफ सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल, इफ सिग्नल रिसीव्ड एट बी इज ग्रीन, तो पहले आप ये निकाल लीजिए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी रिसीव्स अ ग्रीन सिग्नल। बी रिसीव्स ग्रीन सिग्नल, एक स्टेटमेंट कहीं डिफाइन कर देंगे, उसको कुछ एक्स नाम से पुकार रहे हैं, एक्स रिप्रेजेंट्स द इवेंट, बी रिसीव्स ग्रीन सिग्नल। हम पहले वो निकाल ले प्रोबेबिलिटी कि बी को ग्रीन सिग्नल रिसीव हो, उसका क्या संभावना है। अब तब हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी पूछता है कि इफ द सिग्नल रिसीव दैट बी इज ग्रीन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ओरिजिनल सिग्नल वाज ग्रीन। यहां से ग्रीन चल के ग्रीन इसको मिला कि लाल चल के ग्रीन मिला, दोनों हो सकता है। तो पहले ग्रीन मिला उसका कुल संभावना निकाल ले, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए कि इसको ग्रीन कितने तरीकों से मिल सकता है। देखिए हम सब तरीका लिख रहे हैं,
यहां से ग्रीन चला, ये करेक्टली रिसीव किया सिग्नल को, अब फिर करेक्टली रिसीव हुआ एट बी, तब इसको ग्रीन दिखे। या यहां से ग्रीन चला, ये इनकरेक्टली रिसीव किया, माने ग्रीन चला लाल रिसीव हुआ, अब ये लाल भेजा, अब ये इनकरेक्टली रिसीव किया तो फिर ग्रीन हो गया, दो बार गलती हो गया तो सही हो गया बात। या यहां से लाल सिग्नल स्रोत से चला और ये करेक्टली रिसीव किया और बी इनकरेक्टली रिसीव किया, अब ग्रीन हो गया वो। यहां से आर चला, यहां आर रिसीव हुआ, अब उसको इनकरेक्टली रिसीव किया यानी ग्रीन रिसीव किया। या यहां से आर चला, यहां इनकरेक्टली रिसीव हुआ, अब फिर यहां पे करेक्टली रिसीव हो गया, तो आर चला, ये इनकरेक्टली रिसीव किया यानी ग्रीन रिसीव किया, अब ये ग्रीन सेंड किया, ये ग्रीन रिसीव कर लिया करेक्टली तो ग्रीन दिखा। इतने तरीकों से स्टेशन बी ग्रीन सिग्नल रिसीव कर सकता। हमको पूछा है कि अगर वो ग्रीन रिसीव किया यानी ये इवेंट अगर हुआ तो प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वहां से ग्रीन चला था फ्रॉम द सोर्स, तो हमको पी जी एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स, ये टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में जाएगा, और दो केस है जिसमें ग्रीन चला था और ग्रीन रिसीव हुआ, ई वाला और ई वाला, वो ऊपर में चला जाएगा निगेटिव। ये कैसे निकलेगा, पी जी इंटू पी करेक्टली रिसीव्ड इफ द सिग्नल वाज ग्रीन, पी ये लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि करेक्टली रिसीव होगा या नहीं रिसीव होगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि वहां से ग्रीन चला था कि लाल चला था। सो इट इज जस्ट पी जी इंटू पी सी इंटू पी सी, 4/5 इंटू 3/4 इंटू 3/4 प्लस 4/5 इंटू 1/4 इंटू 1/4, ये पूरा चीज न्यूमरेटर में चला जाएगा और टोटल डिनोमिनेटर प्लस 1/5 इंटू 3/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/4 इंटू 3/4, दैट इज द आंसर। बस अब खाली इस पूरे चीज को कैलकुलेट करके सावधानी से डिनोमिनेटर में लिखना है, इसको न्यूमरेटर में लिखना है। फोर डाई D1, D2, D3, D4 आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक साथ, यानी सैंपल स्पेस समझ गए होंगे आप, आउटकम्स अब ए बी सी डी कह दें उन चारों डाई पे, तो ऑल दीज फोर नंबर्स कैन टेक एनी नेचुरल वैल्यूज बिटवीन 1 to 6, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दी सैंपल स्पेस 6 × 6 × 6 × 6 × 6, 6 to the power 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट, अब इवेंट डिफाइन कर रहे हैं, इसी समय कॉन्सेंट्रेट करना होता है। डी फोर शोज उन चार में से एक पर्टिकुलर डाई का नाम है डी फोर, इट शोज द सेम नंबर एज एनी वन ऑफ द अदर थ्री, मैंने D1, D2, D3 और D4 चारों डाई को दिखा रहे हैं, अगर D4 पे 5 दिख रहा है तो इनमें से किसी एक में कम से कम 5 दिखना चाहिए, ऐसा वाला सारा आउटकम्स को गिनती करना है। अगर D4 में 1 दिख रहा है तो इनमें से किसी एक में कम से कम, सब में दिखे 1 ये भी चलेगा, D4 शोज द सेम नंबर एज एनी वन ऑफ द अदर थ्री, ये तीनों में अगर 4, 5, 6 दिख रहा है तो D4 में 4 या 5 या 6 दिखना चाहिए, वो वाला आउटकम सबको हम लोग इकट्ठा करेंगे, उल्टा गिनती कर लेते हैं। जब ऐसा नहीं हो रहा यानी D4 में जो भी नंबर दिख रहा है
इनमें से किसी में वो नंबर नहीं दिख रहा, ये गिनती करना आसान है। अगर D4 में 1 दिख रहा है, अब यहां 1 नहीं दिखना चाहिए तीनों में से कहीं भी, तो कितना आउटकम होगा पॉसिबल? यहां 5 विकल्प है, एक छोड़ के 2, 3, 4, 5, 6, यहां भी 5, यहां 5, यानी अगर D4 में 1 है तो 5³ इतना आउटकम्स है जो हमारे इवेंट के फेवरेबल नहीं है, और अगर D4 में 2 है तो फिर इतना, यानी 6 × 5 × 5 × 5 इतना आउटकम्स है जो इस इवेंट को अगर हम एक्स नाम से पुकारें तो एक्स ब्राइन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतना है, और एक्स में कितना एलिमेंट्स होगा अब तो हम काउंट कर सकते हैं ना, 6 to the power 4 में से घटा दीजिए 6 × 5 × 5 × 5, और तब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स का। अब हम प्रोबेबिलिटी अगर एक्स प्राइम का निकाल लें तो हमको खाली 1 से सब्ट्रैक्ट करना है, माने ये करने का आवश्यकता नहीं था। आप अगर इवेंट के नहीं होने का संभावना ढूंढ पाए तो इवेंट के होने का संभावना निकालने के लिए खाली 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है 6 × 5³/6 to the power 4। यहां 2 बॉक्स है ए और बी, कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, इसमें 3 व्हाइट है और 2 लाल गेंद है, और बॉक्स बी में 1 व्हाइट गेंद है सिर्फ, नथिंग एल्स। एक्सपेरिमेंट देखिए, अ क्वाइन इज टॉस्ड, इफ हेड अपियर्स, 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी इफ हेड अपियर्स, इफ टेल अपियर्स 2 बॉल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। एक्सपेरिमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अभी तक एक्सपेरिमेंट समाप्त नहीं हुआ। नाउ अ बॉल इज ड्रॉन, 1 बॉल फ्रॉम बी, अब जाके एक्सपेरिमेंट समाप्त हुआ। क्वेश्चन, इफ द बॉल इज व्हाइट, फिर रिवर्स प्रोबेबिलिटी का सवाल होगा। हम आपसे ये पूछ सकते थे कि क्या संभावना है कि जो गेंद आप निकाले एक लास्ट में वो व्हाइट होगा, वो नहीं पूछ रहे, कह रहे हैं कि अगर जो आप गेंद निकाले एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट वो व्हाइट निकला अगर, तो बताइए कि क्या संभावना है कि हेड आया था। क्वेश्चन ऑन रिवर्स प्रोबेबिलिटी बेस थ्योरम, तो पहले व्हाइट निकलेगा इसका संभावना निकालिए, क्योंकि अंत में जो आप गेंद निकाले व्हाइट वो दोनों में से कोई एक हो सकता था ना, हो सकता था हेड आया हो आप ट्रांसफर किए हो तब व्हाइट आ गया, या हो सकता है टेल आया हो तब आप 2 बॉल ट्रांसफर करके गेंद निकाले व्हाइट आ गया। तो पहले टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए इस इवेंट के होने का, अंतिम में एक गेंद व्हाइट निकलने का, तो कितने तरह से हो सकता है ये इवेंट अंत में व्हाइट का आना। विकल्प 1 कि हेड आया, आप एक गेंद निकाले, वो एक गेंद अगर व्हाइट निकला तब हम यहां से 1 लिख दे रहे हैं, तब फिर आप बैग बी में से निकाले व्हाइट निकल गया, या हेड आया और आप एक गेंद जो ट्रांसफर किए वो रेड ट्रांसफर हो जाता फ्रॉम बैग 1 और तब बैग 2 में से जो आप गेंद निकाले वो व्हाइट होता। यहां W2 लिख दे रहे हैं, सेकेंड बैग में से व्हाइट निकला उसको हम चूंकि W2 सिंबल से रिनोट कर रहे हैं, या टेल आता 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, अब दोनों व्हाइट गेंद होता उस इवेंट को हम कुछ W3 बोल दे रहे हैं, तब आप उसमें से जो निकालते वो निकलता उसको खाली W ही लिखते हैं, चलिए फाइनली जो निकलता है इवेंट को, या टेल आता और दोनों गेंद रेड ट्रांसफर होता उस इवेंट को हम R3 कह रहे हैं, तब
बॉक्स में से वाइट निकलता बी में से, या टेल आता एक वाइट और एक रेड ट्रांसफर होता बैग वन में से वाइट एंड रेड। इतना सारा इवेंट्स है ना, सबका नाम लिखना होगा, हम लोग बोल रहे हैं याद रखना होगा इसका, वन वाइट एंड वन रेड फ्रॉम बैग ए एंड देन अंत में बैग बी में से वाइट। चूंकि ये सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो बीच में प्लस लिख दे रहे हैं, अब प्रोबेबिलिटी की हेड आ गई मल्टीप्लाइड बाय की प्रोबेबिलिटी आप व्हाइट बॉल चूज किए आफ्टर हेड हैज अकर्ड, व्हिच मींस कि आप बैग वन में से चूज कर रहे हैं, अब फिर लास्ट में अब व्हाइट आफ्टर ऑल दीज टू थिंग्स हैव हैपेंड, तो अब सीधे नंबर्स लिख रहे हैं, हाफ हेड आने का संभव इनटू अब इस बैग में से एक व्हाइट गेंद निकाले उसका संभावना 3/5, और अब उस बैग में दो व्हाइट हो गया बी बैग में, अब उसमें से एक व्हाइट निकलने का संभावना 2/2 यानी 1 प्लस हेड आने का संभावना, अब इस बैग में से एक लाल गेंद निकला उसका संभावना 2/5, अब उस बैग में एक लाल एक सफेद हो गया उसमें से सफेद निकलने का संभावना 1/2 प्लस टेल आने का संभावना, और अब इसमें से दो गेंद निकाले आप दोनों व्हाइट तो वो 3C2/5C2, 5 बॉल्स है दो दो गेंद निकलने का कुल तरीका है 5C2, अब तीन गेंद व्हाइट है उसमें से दो गेंद कोई निकले उसका तरीका 3C2, अब आप उस बक्से का कॉम्पोजिशन हो गया 3 व्हाइट बॉल्स उसमें से अब एक गेंद निकालेंगे उसके व्हाइट होने का संभावना इनटू 1 प्लस, इसको हम इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में डाल रहे हैं क्योंकि ये वो वाला केस है जिसमें हेड आया था और फाइनली आप व्हाइट गेंद निकाले, और ये वाला वो केसेस है जिसमें टेल आया था और फाइनली आप व्हाइट बॉल निकाले, क्योंकि इवेंचुअली हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेड हैड अपीयर्ड इफ इट इज गिवन दैट दिस इवेंट हैज अकर्ड, तो PHW/PW डिनोमिनेटर में होगा टोटल एंड न्यूमरेटर में होगा ई वाला, दोनों केस डिनोमिनेटर में टोटल। क्योंकि ट्रांसफर जब आप कर रहे हैं तो दोनों में से कोई ट्रांसफर हो सकता है, या तो लाल या उजला, एंड ईच इवेंट फॉलोज द अदर वन आफ्टर द अदर, तो यहां कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, हेड आया तब आप एक ट्रांसफर किए तब आप एक निकाले एक के बाद एक, हाफ इनटू अब दोनों गेंद जो ट्रांसफर हुआ लाल तो वो 2C2/5C2, अब उस बक्से में से एक गेंद निकाले उसमें एक व्हाइट है दो लाल, व्हाइट निकलने का संभावना 1/3, आखिरी एक व्हाइट और एक लाल, देखिए कितना तरीका से एक लाल और एक सफेद गेंद चुना जा सकता है, 3C1 × 2C1/5C2, अब उसमें दो व्हाइट एक लाल हो गया तो उसमें से व्हाइट निकलने का संभावना 2/3, तो केवल कैलकुलेशन से कर लेते E and F are two independent events. का मतलब probability of EF लिख दे रहे हैं equal to P × PF. फिर आगे लिखता है probability that exactly one of these two events occurs.
equals 11 by 25 and probability that none of them occurs is 2 by 25. Then find the probability of this event and probability of occurrence of this event. None of them occurs ka matlab E prime F prime intersection hai. कोई एक्सपेरिमेंट का एक सैंपल स्पेस होगा, उसका दो सबसेट डिफाइन किया गया होगा, टू इवेंट्स. अगर वेन डायग्राम में देखिएगा तो ये इवेंट ई को रिप्रेजेंट करता हुआ एक सर्कल है और इवेंट एफ को रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल और ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करता हुआ एक रेक्टेंगल. तो ये आउटकम्स जो यहां लिखा है ये है ई प्राइम एफ प्राइम. द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम अकर्स को ऐसे लिखते हैं, वो दिया है 2/25. हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ई प्राइम इंटरसेक्शन एफ प्राइम का मतलब ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट. ई यूनियन एफ ये इलाका है और उसका कॉम्प्लीमेंट ये इलाका होगा. यही डी मॉर्गन लॉ है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ लिख सकते. इस इवेंट के होने का संभावना इक्वल टू 1 इस इवेंट के होने का संभावना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है. तो दोनों के होने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए लिख सकते. और पीई यूनियन एफ को लिख सकते हैं पीई प्लस पीएफ माइनस पीईएफ. ये हम लोग जानते हैं, यानी कि हमको क्या क्या दिया हुआ है सब बताते हैं. हमको दिया हुआ है 1 पीई प्लस पीएफ माइनस पीईएफ का वैल्यू 2/25. अर्थात पीई प्लस पीएफ माइनस पीईएफ बराबर 1 2/25 23/25. ये हमको दिया हुआ है द सेकेंड कंडीशन. उसको हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं. प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स विल अकर वो दिया हुआ है 2/25. उस बात का उपयोग करके हम एक इक्वेशन लिखे हैं. हमको निकालना है पीईपीएफ, इस इवेंट के होने का संभावना और इस इवेंट के होने का संभावना. चाहे कुछ और बात देखें जो दिया हो. और पीईएफ को हम लिख सकते हैं पी इंटू पीएफ. क्वेश्चन दिया हुआ है कि दीज टू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स. हमको दो अननोन है जिसका वैल्यूज ढूंढना है, एक पीई और एक पीएफ. तो हमको दो इक्वेशन चाहिए होगा, सिर्फ पी और पीएफ दिखना चाहिए मेरे इक्वेशन. एक ही क्वेश्चन बना, पी का वैल्यू को अगर हम एक्स कह दें, पीएफ के वैल्यू को वाई, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई का वैल्यू. We need one more equation जो दिया हुआ है. Probability that exactly one occurs का मतलब ऐसे outcomes का बात कर रहे हैं जिनके होने पर आप कहें कि सिर्फ एक ही दोनों में से कोई कहे, या तो कहें कि E हुआ है या F हुआ है. दोनों हुआ है वाला केस नहीं हमको चाहिए, या दोनों नहीं हुआ है वो नहीं चाहिए. यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे केसेस में इंटरेस्टेड हैं ई हुआ एंड एफ नहीं हुआ. ऐसा जो भी आउटकम है जिसके आने पर हम कहें कि ई हुआ है एफ नहीं हुआ है, या कहें कि एफ हुआ है लेकिन ई नहीं हुआ है. एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, ऐसा आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड है. अगर हम कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर्स, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो, तब एक और यूनियन करते हैं EF. ऐसे लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि एनी वन ऑफ देम अकर्स मतलब होता है PE यूनियन है, इसी को बोलते हैं. दोनों में से कोई एक हुआ हो ऐसा बोल पाए आप, ये सब आउटकम्स. अगर हम ऐसे इवेंट का बात करते जिसमें हम कहते कि E has occurred and F has not occurred, यानी हम ये आउटकम्स का बात करते. So this partition is EF prime. This partition is FE prime. This partition is EF. The question diya hai,
प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स, मतलब ये यही हम टेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आया कि नहीं, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स का मतलब ये, वो दिया है 11/25। अब इसको सिंप्लीफाई करें, PEF ब्राइन E हुआ एंड F नहीं हुआ, इट इज PE माइनस PE इंटरसेक्शन F, PE माइनस दिस, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है EF प्राइम में, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट E इंटरसेक्शन F, इसी को थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस से, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाता है। यानी ये है PF प्राइम प्लस PE प्राइम F, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आप देख सकते हैं ये इवेंट और ये इवेंट में कोई कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट्स। और इसको क्या लिख सकते हैं, PE माइनस PEF, ये क्या लिख सकते हैं, PF माइनस PEF, यानी लेफ्ट हैंड साइड है जो है वो PE प्लस PF माइनस टू टाइम्स PEF, जिसको हम लिख सकते हैं PE इंटू PF, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, दो इक्वेशन है, अब सिर्फ अलजेब्रा है, इसको हम इक्वेशन वन बोल रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको PE PF का वैल्यू निकालना है, यहां पे मतलब x प्लस वाई माइनस टू एक्स वाई का वैल्यू दिया है और यहां x प्लस वाई माइनस एक्स वाई का वैल्यू दिया है। हम पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस माइनस दिस, तो राइट हैंड साइड होगा 12/25 और लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई होगा, x इंटू वाई का वैल्यू इतना हो गया, आ किसी एक में डाल देते हैं तो x प्लस वाई का वैल्यू यहां डाल रहे हैं 12/25, ऐड कर रहे हैं दोनों तरफ तो 35/25। अब हमको x और y का वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें से y बराबर 12/25 x यहां लिख दें तो हमको एक क्वाड्रेटिक आएगा x में, x प्लस 12/25 x इक्वल 35/25, इसमें कैंसिल आउट कर दे रहे हैं 7/5, तो आप मल्टीप्लाई कर देते हैं 25x से, तो 25x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 12 बराबर 0, और अब हमको x का वैल्यू निकल जाएगा, जब x निकल जाएगा तब y निकल जाएगा, एक्चुअली यहां पे दिख रहा है x बराबर 4/5 एंड y बराबर 3/5 या vice versa, दोनों को गुना करेंगे तो 12/25 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 7/5 हो जाएगा। थ्री स्टूडेंट्स अपियर इन अ टेस्ट इफ देयर पेपर्स मे बी चेक्ड बाय एनी वन ऑफ फाइव टीचर्स, एक एग्जाम हुआ, तीन लोग बैठे, तीनों को पेपर को हमको चेक करने देना है, स्कूल में पांच शिक्षक हैं, उनमें से किसी को दे सकते हैं, तो कितना तरह से हम दे सकते हैं सैंपल स्पेस हमारा, पहला पेपर हम कितने तरीका से बांट सकते हैं, पांच तरीका से, या तो इसको दे, इनको दे दें चेक करने, या उनको या उनको, दूसरा पेपर फिर पांच तरीका से, तीसरा फिर पांच तरीका से, यानी कि कुल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हुआ सैंपल स्पेस में वो 5×5×5 5³, इतना तरह से हम उन पेपर्स को दे सकते हैं, उन टीचर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चेक करने के लिए, टीचर वन टीचर टू टीचर थ्री टीचर फोर टीचर फाइव एंड पेपर पेपर वन पेपर टू पेपर थ्री, हम तीनों इन्हीं को दे दिए, ये एक तरीका है, P1 P2 इनको दिए, P3 इनको दिए, कुल कितना, इतना बड़ा सरल था, बांटिए ना पेपर जाकर के टीचर्स को दीजिए, यही क्वेश्चन में लिखा है, टीचर्स को देंगे पेपर चेक करने के लिए, दीजिए पेपर वन उठाइए दीजिए, आपके पास पांच विकल्प है, अब पेपर टू उठाइए, अब उनको भी बांटिए, तो कुल इतना तरह से आप
पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, चेक करें। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट देयर पेपर्स आर चेक्ड बाय एग्जैक्टली टू टीचर्स। क्या संभावना है कि सिर्फ दो ही टीचर को हम जाके बांटे होंगे पेपर्स को चेक करने? तो मान लीजिए कि हम अब आउटकम्स गिन रहे हैं कि सिर्फ दो ही लोग को बांटा गया, वो सब गिनती कर रहे हैं। इस सारे गिनती में वैसा कौन कौन केसेस है जिसमें कि दो ही टीचर को दे दिया गया है? वही होगा मेरा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू माय इवेंट। तब हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम एनएक्स को डिवाइड करेंगे एनएस से। बस अब केवल वो गिनती करना है कि दो ही टीचर में हम बांट दिए ऐसा कितना। तो पहले तो इन पांच में से कौन दो, तो हम चुन लिए कोई दो। मान लीजिए हम इन दोनों में बांटेंगे तीनों, ये एक चॉइस है, या इन दोनों में, या इन दोनों में, या इन दोनों में। अगर हम इन दोनों को चुने हैं, इन्हीं दोनों में बांटेंगे तीनों पेपर को, तो अब वो कितने तरीका से बांट सकते हैं? फिर वही जाइए, अब इन्हीं दोनों में बांटना है पेपर, बांटिए। पहला पेपर बांटने का दो तरीका, दूसरा पेपर बांटने का दो तरीका, तो टू क्यूब तरीका हो। लेकिन इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि मान लीजिए आप दोनों पेपर टी टू को दे दिए, तो ओके सबको नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द थ्री पेपर्स आर चेक्ड बाय एग्जैक्टली टू टीचर्स, यानी कि दो लोग के बीच में बटा होना चाहिए। अब हम तीनों पेपर ले जाकर के टी टू को दे दिए, तब तो वो वाला केस हो गया ना कि एक ही टीचर, तो दो केस वैसा है कि हम तीनों इनको दे देते उसको काट दिए, तीनों इनको दे देते तो आठ में से दो केस काट दिए। तीनों पेपर को बांटने का कुल आठ तरीका था, इन्हीं दोनों में अगर वितरित करना है तो देयर आर एट वेज, उनमें से दो को हम छांट दिए, जिसमें कि हम तीनों पेपर इसी इन्हीं को दे दिए या तीनों इनको दे दिए, काट दिए, और फाइव सीट इज मल्टीप्लाई, दैट्स द आंसर। अब इतना डिवाइडेड बाई फाइव सी टू का वैल्यू 5 × 4 बटे 2 फैक्टोरियल, और 8 − 2 = 6, 20/2 = 10 × 6 = 60। यहां डिवाइड कर दीजिए 60/5³, 60 को हम लिख दे रहे हैं 5 × 12, ताकि ये कैंसिल आउट कर सकते हैं 12/25, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। एक बॉक्स है जिसमें m1 नंबर ऑफ रेड बॉल्स है और n1 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है। m1 n1 का वैल्यूज ढूंढना है, और दूसरा बॉक्स में m2 नंबर ऑफ रेड बॉल्स एंड n2 नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अ बॉक्स इज रैंडमली चोजन एंड अ बॉल इज ड्रॉन, कोई एक मिस किए नहीं। द बॉल टर्न्ड आउट टू बी रेड। इफ प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1 इज 1/3, देन m1 m2 n1 n2 का वैल्यू ढूंढें। एक बक्सा चुनना है रैंडमली, एक गेंद निकालना। अगर वो लाल हुआ तो पहले लाल होने का संभावना निकाल लेते, प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल विल बी रेड। दो तरीका से हो सकता है, अगर बॉक्स 1 आप चुने हैं एंड उसमें से लाल गेंद निकालते हैं, या बॉक्स 2 चुने हैं एंड उसमें से लाल गेंद निकालते हैं, P1R + P2R, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग बॉक्स 1 multiplied by probability of drawing a red ball if box 1 has been chosen, probability of choosing box 2 multiplied by probability of drawing red ball if box 2 was chosen।
बॉक्स वन चुनने का प्रोबेबिलिटी है हाफ, रैंडमली चुने हैं दोनों बक्सा, तो ईच बक्सा को चुने जाने का संभावना बराबर बराबर है हाफ हाफ। उसमें से लाल गेंद चुने जाने का संभावना एम वन बटे एम वन प्लस एन वन हाफ टाइम्स एम टू बटे एम टू प्लस। अगर लाल गेंद चुना गया है तो इस बात का संभावना क्या है कि वो बॉक्स वन में से चुना गया था इफ ये इवेंट अकर कर गया है, तो ये वाला न्यूमरेटर में चला जाएगा क्योंकि इसका मतलब होता है पी वन आर बटे पी आर। पी वन आर मतलब ये वाला नंबर एम वन बटे एम वन प्लस एन वन बटे हाफ कैंसिल आउट कर दे रहे हैं कॉमन लेकर, और इसका वैल्यू क्वेश्चन दे रहा है कि एक बटे तीन होना चाहिए, तो M1, M2, N1, N2 का वैल्यूज ढूंढिए। आपके पास चार अननोन है M1, N1, M2, N2 और इक्वेशन एक ही है बस, तो पक्का है कि आप चारों का वैल्यूज नहीं ढूंढ सकते। इनफैक्ट आपको चार ऑप्शन दिया है, उनमें से कोई अगर है जो सेटिस्फाई करता है इस कंडीशन को तो वही टिक करना है। M1, N1, M2, N2, तीन तीन पांच पंद्रह वगैरह वगैरह। तो पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर, ये A बटे A प्लस B लिखा है बराबर एक बटे तीन, मतलब 3A must equal A plus B, यानी 2A must equal B, यानी अब 2 times M1 बटे M1 plus N1 must equal M2 by M2 plus N2। अब वैल्यूज डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं, जैसे पहला ऑप्शन सही है कि नहीं, कि M1 N1 का वैल्यू है 2 टाइम्स 3 बटे 6 लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड 5 बटे 20, ये मैच करेगा अगर तो इसको टिक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, इतना मुश्किल नहीं है चेक करना। लेफ्ट हैंड साइड इट इज 1 एंड राइट हैंड साइड इट इज 1 बाई 4, दे आर नॉट मैचिंग, तो ए इनकरेक्ट हो गया। ये 3 बटे 9 लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2 टाइम्स 3 बटे 9 और राइट हैंड साइड हो गया 10 बटे 60, ये हो गया 2 बटे 3 और ये 1 बटे 6 मैच नहीं कर रहा है, इसको भी टिक नहीं कर रहा। इसी तरह से बाकी दोनों ऑप्शन को चेक कर लेंगे, जो सही होगा उसको टिक। अ फेयर डाई इज टॉस्ट Until 6 appears, यही एक्सपेरिमेंट है, टॉस करते रहिए जब तक 6 नहीं आ जाए, फुल स्टॉप। लेट कैपिटल एक्स बी द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3, मतलब तीसरे टॉस में 6 आया इसका संभावना बताइए, मतलब कि पहले टॉस में नहीं आया दूसरे टॉस में भी नहीं आया। तो पहले इस इवेंट को समझना जरूरी है, ये इवेंट होने का मतलब है 6 आने को अगर हम डिनोट करें बाय द इवेंट ई, ई मतलब 6 अपीयर्स, तो पहला टॉस में ई ब्राइन ई नहीं आया, फॉलोड बाई दूसरा टॉस में ई नहीं आया, अब फॉलोड बाई तीसरे टॉस में ये हुआ पी ई ब्राइम इंटू सेकेंड टॉस में नहीं आया इफ पहला में नहीं आया था, नहीं इसका कोई जरूरत नहीं लिखने का, ये सब म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस, यानी कि 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6। उसके बाद लिखे हैं पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 या 3 से अधिक बार में 6 आता है, मतलब कि 3 बार में या
चार बार में या पांच बार में डॉट डॉट डॉट, एक इनफिनाइट सीरीज है, तो तीन बार में सिक्स आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 5 स्क्वायर बाय 6 की। चौथे बार में सिक्स आएगा, मतलब तीन बार नहीं आया और तब आया, तो 5 बाय 6 × 5 बाय 6 × 5 बाय 6 तीन बार × 1 बाय 6, तो 5³/6⁴। पांचवें बार में सिक्स आया, 5⁴/6⁵ प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज है। दिस डिवाइडेड बाय दिस करके देखिए, ज्योमेट्रिक सीरीज है उसका कॉमन रेशियो निकलेगा, डिवाइडेड बाय 5² यानी 6³/5² तो यहां एक 5 बचा न्यूमरेटर में और एक 6 बचा डिनोमिनेटर में, तो ये कॉमन रेशियो है 5/6। अब फर्स्ट टर्म ये है, तो इसका सम होगा फर्स्ट टर्म बटे 1 माइनस कॉमन रेशियो। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है वो a बाय 1 माइनस r, a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस इंफिनिटी तक, तो ये फॉर्मूला है, बट ये वैलिड है ओनली इफ द कॉमन रेशियो मैग्नीट्यूड में 1 से कम होना चाहिए, मतलब r का वैल्यू -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर हो तभी ये बात वैलिड है, तभी वो सीरीज कन्वर्जिंग होगा और उसका वैल्यू निकाला जाना संभव होगा। जैसे हम लोग एपीजी पीएचपी में सीख चुके हैं। दिस इज 1/6 विच इज 5² बाय 6² तीन या तीन से अधिक बार वाला सारा केसेस को हमको इंक्लूड करना था। यहां से नेक्स्ट, पी x less than equal to 3 if x greater than 2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो इस स्टेटमेंट को समझना होगा, प्रोबेबिलिटी दैट दिस इंटरसेक्शन दिस, ये कह रहा है कि x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 एंड x का वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन को हम ऐसे लिखेंगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2। न्यूमरेटर में जो लिखा है उसको समझिए, x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 3 या 3 से छोटा, मतलब x इक्वल टू 3, और ये लिखा है x का वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए यानी मतलब x का वैल्यू 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए। ऑलरेडी दोनों चीज निकाल चुके हैं, तीसरे बार में 6 आ गए वो हम लोग निकाल चुके हैं 5² बाय 6³, और 3 या 3 से अधिक बार वाला सब केसेस को कंसिडर किए तो 5² बाय 6² सो इट इज 1/6। और ये आखिरी क्वेश्चन है, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जिसका मतलब न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में तो p x ग्रेटर देन 3 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, चार या चार से अधिक वाला केसेस, x का वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए या बराबर एंड 3 से भी अधिक होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो 3 से अधिक और 6 या 6 से अधिक, तो इंटरसेक्शन कीजिएगा तो 6 या 6 से अधिक रह जाएगा। तो जैसे 3 या 3 से अधिक वाला केस निकाले थे, सीरीज ऐड किए थे, उसी तरह से ये दोनों निकालना होगा। नहीं, जरूरत नहीं है, थोड़ा पैटर्न देख के हम समझ सकते हैं। 3 या 3 से अधिक वाला में आया था 5² बाय 6² 4 या 4 से अधिक वाला निकालिएगा तो 5³/6³ आ जाता है, और 6 या 6 से अधिक वाला निकालिएगा तो वो 5² बाय 6² आ जाएगा। अब चेक कर लीजिए, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 यानी पी एक्स इक्वल टू 4 चौथे बार में 6 आया, पांचवें बार में 6 आया, चौथे बार में 6 आने का मतलब 3 बार नहीं आया तब आ गया, पांचवें बार में 6 आने का मतलब 4 बार नहीं आया तब 6 आ गया। इसी सीरीज को ऐड कीजिए, आपका फर्स्ट टर्म हो गया 5³/6⁴ डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5/6 1/6
तो एक सिक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइव क्यूब बाई सिक्स क्यूब आ जाएगा। तो पैटर्न देख लिए अगर हम लोग तो हम तुरंत लिख सकते हैं और ये फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, 25/24। देखिए सवाल को, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वाइन नीड्स टू बी टॉस्ड so that the probability of getting at least two heads। आगे मत देखिए, पहले इतना ही बात को समझ लो। एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं n टाइम्स तो n टाइम्स में से r टाइम्स हेड आए उसका क्या संभावना है, हम कैसे लिखते हैं इस बात को। Probability of getting r heads in n trials, ये ट्रायल का संख्या है, x represents the number of trials जिसमें कि आप चाहते हैं कि सक्सेस हो। अभी हेड के आने को हम सक्सेस बोल रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि इस तरह से निकालिए, ये हेड आने का संभावना है और ये हेड नहीं आने का संभावना है, यानी किसी एक ट्रायल में आप सक्सेसफुल होंगे उसके संभावना को पी कहें और फेल करेंगे उसके संभावना को क्यू कहें। तो एन टाइम्स अगर आप वो ट्रायल कंडक्ट करते हैं उसमें से आर बार आप सक्सेसफुल होंगे इसका संभावना ऐसे लिखते हैं। टॉसिंग अ कॉइन के केस में पी का वैल्यू हाफ है, क्यू का वैल्यू भी हाफ है, तो उस केस में हेड अपीयर्स आर नंबर ऑफ टाइम्स आउट ऑफ एन टाइम्स, जिसको हम x ही लिखेंगे, x को डिफाइन कर देंगे, x means head appears, number of times head appears, x event नहीं है, x एक संख्या है, number of times head appears, statement है। अगर वो equal to r हम चाहते हैं तो उसका probability है ncr half to the power r, half to the power n minus r, ये जुट करके 2 टू द पावर n रह जाता है, एन सी आर मल्टे 2 टू द पावर n। अब जितना बार ही बोलिए, अगर आप कहिएगा कि n ट्रायल्स में से हम चाहते हैं कि चार बार हेड आए बाकी बार नहीं आए तो उसका क्या संभावना है, तो यहां हम r की जगह चार लिखते हैं। इस क्वेश्चन में कितना ट्रायल्स किया गया है वो नहीं दिया है, वही खोजना है कि कितना बार हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें अगर हम कुछ चाहते हैं कि ऐसा हो। जैसे हम कहते हैं कि हम 10 बार टॉस किए कॉइन को, अब हम दे दिए ना एन का वैल्यू 10 ट्रायल्स, कहते हैं कि इसमें से हम चाहते हैं कि दो बार हेड आवे, आठ बार हेड ना आवे, इसका क्या संभावना है, तो 10 सी टू हाफ टू द पावर 10 इतना ही सही। कहते हैं कि अच्छा पांच बार हेड पांच बार हेड उसका क्या संभावना है, तो 10 सी 5 1 by 2 to the power 10 ऐसे निकालते हैं। अभी क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स अ क्वाइन नीड्स टू बी टॉस्ड सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट टू हेड्स। अच्छा, अब उसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स आउट ऑफ n ट्रायल्स, तो हम n सी 2 बटे 2 टू द पावर n लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 heads out of n trials, nc 3 बटे 2 to the power n लिखते हैं। Probability of getting n heads out of n trials, nc n बटे 2 to the power। Probability of getting 1 head, जो बोलिए निकाल देंगे। Probability of getting no head, nc 0 बटे 2 to the power। तो probability getting at least 2 heads, यानी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पूछ रहा है, दो या दो से अधिक बार हेड आए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स या प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हेड्स, सबका सम, इन सबका सम चाहिए 2 से लेके n तक। तो वैसा करने के बजाय ऐसा कर लीजिए
वन माइनस कर लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जीरो हेड वाला केस और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड वाला केस को ऐड करके वन में से घटा दीजिए, वन माइनस एन सी जीरो बटे टू टू द पावर एन एन सी वन बटे टू टू द पावर विच इज वन माइनस एन सी वन का वैल्यू एन एन सी जीरो का वैल्यू वन, यही है। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट टू हेड्स यानी ये वाला चीज इज एटलीस्ट 96%, माने इसका वैल्यू 96% से अधिक होना चाहिए या उसके बराबर, यानी कि ये नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.96। अब कितना एटलीस्ट है ना, कि कंफ्यूज कर जाएगा। तो तोड़ के पढ़िए टुकड़ों में, पहले इसको समझिए। अगर मान लें कि n टाइम्स टॉस करते हैं क्वाइन को, तो एटलीस्ट टू हेड्स आने का संभावना निकालेंगे। उसके बाद कहता है कि ये संख्या एटलीस्ट इतना होना चाहिए, मतलब ये संख्या इतना या इतना से बड़ा होना चाहिए। तो लिख लिए, अब हमको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे ऐसा n का वैल्यू ढूंढना है। ऑप्शन दिया होगा n का वैल्यू 5, 6, 7, 8, 10 जो सेटिस्फाई करे। सॉल्व नहीं कर सकते हैं इस इनइक्वालिटी को, ये कोई लीनियर इनइक्वालिटी थोड़े है, क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लीजिएगा या ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रांसेंडेंटल है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रा है। हाँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, n प्लस वन बटे टू टू द पावर n ऐड कर दीजिए, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू वन माइनस 0.96, 0.04। इसको 4/100 लिख दीजिए, यानी 1/25। इसको उलट के लिख देते हैं दोनों तरफ से, 2^n/n+1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25, यानी 2^n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 25 टाइम्स n प्लस। अब आप जो ऑप्शंस दिया है उसको डाल के चेक करने में भी सुविधा होगा। मान लीजिए n का एक वैल्यू दिया है 8, तो डाल के देखते हैं 8 सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो ने 2^8 का वैल्यू निकालेंगे और 25 गुने 8+1 का वैल्यू निकालेंगे, ये बड़ा हुआ इससे तो टिक करेंगे। एक्चुअली यहां पे 2^x का ग्राफ बन सकता है। आप 25 गुने x+25 का भी एक ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो यहां से शुरू होगा y एक्सिस पे 25 से, y इंटरसेप्ट 25 और 25 स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन होगा। खाली पॉजिटिव साइड देखिए, क्योंकि यहां x पॉजिटिव नंबर है। हम चाहते हैं कि 2^n का वैल्यू इससे बड़ा हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इससे ऊपर हो जाएगा ग्राफ, वही वाला जगह हमको चाहिए, द मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस हमको चाहिए। वैसे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद इस फंक्शन का वैल्यू हमेशा इससे बड़ा होगा, बट मिनिमम नंबर ऑफ टॉसेस चाहिए कि ऐसा हो। तो हमको n का वैल्यू डाल के ही चेक करना होगा, वी कैन नॉट सॉल्व दैट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग चेक करके देखें 2^8 का वैल्यू, ये 2^4 इंटू 2^4, 2^4 है 16 × 16 विच इज 256, 25 × 9 इट इज 225। ये नंबर इस नंबर से बड़ा है, ग्रेटर देन, therefore n is equal to 8 to satisfy कर रहा है। लेकिन अगर उसके जस्ट छोटा वाला नंबर अगर n is equal to 7 ऑप्शन दिया है जो भी, उसको भी चेक करना होगा। अगर वो नहीं satisfy करता है तब 8 टिक कर देंगे, अगर वो कर दिया तो फिर n is equal to उससे छोटा जो दिया होगा उसको भी चेक करना होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए समाप्त।